दोस्तों, अगर आप YouTube पर नए हो और अभी अभी आपने चैनल ओपन किया है और आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई YouTube पर वीडियो बनाने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए कि जिससे कि हमारी वीडियो अच्छी हो सके और उसका क्लिक थ्रो रेट यानी कि CTR ज़्यादा बढ़ सके। जब आपका CTR बढ़ेगा तभी तो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ एक सिंपल YouTube क्रिएटर के पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मेन आता है आपकी वीडियो क्वालिटी, जैसे कि आपको सब बताते ही होंगे। वीडियो क्वालिटी यानी दोस्तों, आपके पास एक कैमरा होना चाहिए। अगर कैमरा नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आईफोन 7 प्लस बहुत ख़ास है, उसका कैमरा भी ख़ास है और उसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी परचेज़ नहीं कर सकते तो दोस्तों, कोई भी ऐसा फ़ोन आप ले लीजिए जिसकी की कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, वो तो आप इजीली अपने आप भी देख सकते हैं, इतना तो आपको भी पता है। इसके बाद दोस्तों, आपको चाहिएगा एक माइक, वैसे रोड का नहीं लेना, कोई बात नहीं, आपके पास बजट है तो आप रोड का ले सकते हो। रोड का माइक आता है लगभग 17,000 से 28,000 30,000 तक का भी आता है दोस्तों। कैरिंग नाइटी वगैरह जिन्नू की टैग सब रोड का ही माइक यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा आवाज़ कितनी क्लियर आती है। लेकिन क्या भी बड़े यूट्यूबर हैं, फिलहाल अभी आप छोटे यूट्यूबर हो, तो फिलहाल मैं जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी से मैं फ़िलहाल अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बोया का माइक चाहे तो आप ले सकते हैं, ईजीली आपके मतलब बजट में आ जाएगा। और अगर आप ये भी परचेज नहीं कर सकते, समथिंग ये 2000 का होगा वैसे, और अगर आप ये भी परचेज नहीं कर सकते तो दोस्तों, एक यहाँ पे जो माइक लगता है ना कॉलर के पास में, वो कॉलर वाला माइक आता है, उसकी लीड भी काफ़ी लंबी होती है, उसकी लीड भी आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रोड का माइक लोगे तो उसकी लीड के लिए आपको मतलब अप्लाई करना पड़ता है अलग से। और इसके बाद दोस्तों, आपके पास एडिटिंग करने के लिए एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप ज़्यादा महंगा नहीं कह रहा, अगर आपको गेम खेलना है तो आप लीजिए असुस। देखो दोस्तों, असुस रिकमेंड करूँगा क्योंकि आपको खेलना है गेम, और गेम खेलने के लिए पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। उसमें आपको डबल फायदा है, गेम की आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और इसके बावजूद आप उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, लैपटॉप का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद आप ये लैपटॉप चाहिए, आपको माइक चाहिए, फिर कैमरा चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है सेटअप की। आप फिलहाल देख ही रहे होंगे मेरा फ़िलहाल बैकग्राउंड सेटअप इतना भी खास नहीं है, लेकिन है, और मेरा सेटअप एक नया तैयार होने लग रहा है। चैनल मोनेटाइज हो चुका है मेरा, तो नया सेटअप तैयार हो रहा है, वो हो जाएगा। सेटअप अच्छा चुने क्योंकि सेटअप जितना अच्छा होगा, आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो आपकी वीडियो लोग ज़्यादा देर तक देखेंगे। तो इन सब के बाद, सेटअप के बाद, माइक के बाद, और आपका कैमरा के बाद, आपकी आपके पास एक होनी चाहिए लाइट। आप या तो रिंग लाइट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने रूम में जहाँ भी आपका सेटअप हो, या फिर जहाँ पर भी आप वीडियो बनाते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे सामने लाइट लगी हुई है। एक मिनट, मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, बॉक्स देना ज़रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लाइट मैं यूज़ करता हूँ, ये वाली लाइट यहाँ पे लगी हुई है फिलहाल, मतलब मेरे फेस के सामने। और आप मेरी वीडियो की क्वालिटी भी देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी आ रही है। और आप पहली वाली वीडियो भी मेरी चेक कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है जितना कि इनकी खास है। दोस्तों, इसके बाद आता है आपके पास एक ऐसा ऐप होना चाहिए जो कि आपकी वीडियो को स्मूथली एडिट कर सके और आपके लैपटॉप में चल सके, और वो फ्री हो। तो मैं इस ऐप के लिए, इस वीडियो एडिटिंग ऐप के लिए आपको रिकमेंड करूँगा फिल्मोरा। और अगर आप ये सोच रहे कि भाई फिल्मोरा का तो वर्ज़न अगर हम लेना चाहें तो उसके लिए हमें पेड करना होगा, यानी पे करना होगा पैसा, नहीं दोस्तों, आप उसको क्रैक भी कर सकते हैं। और क्रैक कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इजीली यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि भाई फिल्मोरा हैक कैसे करते हैं, या फिर फिल्मोरा 9 जो भी फ़िलहाल इस टाइम वर्जन चला है। मेरा तो काफ़ी पुराना वर्जन है, तो मैंने उसको हैक करके मतलब क्रैक करके उसको चला रखा है, और वीडियो भी डाली हुई है, आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ इक्विपमेंट्स थे जो कि एक यूट्यूबर के पास होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। और हाँ गाइस, आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए, मतलब स्टैंड होना चाहिए जिसपे कि आप अपने कैमरे को, रिंग लाइट वगैरह, वैसे रिंग लाइट का तो स्टैंड आता है, जो मैंने भी लाइट दिखाई है ना वो जस्ट कैमरे के ऊपर लग जाती है, तो आपको कैमरा टिकाने के लिए, लाइट टिकाने के लिए एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। और आप इस स्टैंड में अपना फ़ोन भी लगा सकते हैं अगर आपको फ़ोन से शूट करना है, या फिर मतलब कुछ भी इस तरीके का। और आपको दोस्तों एक स्टैंड ऐसा चाहिए जो कि आप इजीली हाथ में पकड़ सकें, यानी कि छोटा वाला स्टैंड आता है ना, वो फिलहाल मेरे पास है नहीं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा और उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। दोस्तों, जितने इक्विपमेंट बताए हैं वो मैं लिंक भी दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो छोटा वाला स्टैंड मैंने क्यों बताया, मान लीजिए आप बाहर की कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हो, या फिर आप व्लॉग बनाने जा रहे हो, जस्ट मान लीजिए आपका व्लॉगिंग का चैनल है, तो आप उसको ईजिली ऐसे पकड़ के और शूट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, और जो आपकी वीडियो क्वालिटी वो भी बनी रहेगी,
और हाँ दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ, वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्वालिटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा 1080p में नहीं देखता। हाँ इतना है कि आप क्वालिटी को ऐसा रखें कि आपने देखा ना कि पीछे का बैकग्राउंड हल्का सा जब ब्लर हो जाता है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, तो कुछ इस तरह की क्वालिटी रखें कि वो थोड़ा आपका बैकग्राउंड ब्लर भी हो जाए। वैसे ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि क्वालिटी ज़्यादा मत रखिएगा। 1080p भी बहुत होती है। मैंने देखा है कोई कोई बंदा यूट्यूब पर ऐसी वीडियो भी डाल लेता है कि उसकी क्वालिटी 1K 2K 4K तक भी हो जाती है, मैंने देखा है। तो आप इतनी भी मत कीजिएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। और हाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मेरा आरवी टेक का चैनल है उसका नाम मैंने बदल लिया है, उसका नाम बावरा 420 हो गया है। और अभी जस्ट 1 या 2 दिन में उस पर वीडियो आएगी दोस्तों। मैं कॉमेडी चैनल मतलब बनाना चाह रहा हूँ उसका, क्योंकि मैंने देखा है कि कॉमेडी थोड़ी अच्छी उठ जाती है यूट्यूब पर, थोड़ा अच्छा ट्रेंड कर लेती है। तो दोस्तों प्लीज़ आप उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और अगर आपको कॉमेडी पसंद है ना तो आप प्लीज़ मेरे उस चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि अब आरवी टैग पर टैग की कोई वीडियो नहीं आएंगी। उसका नाम बावरा 420 हो चुका है और उस पर कॉमेडी वीडियोज़ ही आएंगी। जो भी टैग की वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी मतलब टैग का जो भी होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अनबॉक्सिंग या व्लॉग तक भी, वो सब मेरे चैनल पर लेंगे, यानी कि जो आप चैनल विजिट कर रहे हैं वाला यूट्यूब बाबू जी। दोस्तों इस वीडियो के बाद यूट्यूब बाबू जी पे मतलब वो वीडियो मैंने पहले बना रखी है, वो गूगल एडसेंस से आप व्यू कैसे कमा सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा खर्च करना पड़ता है, तो वो वीडियो मैं अब डालने वाला हूँ, उसके बाद आएगी। तो आप प्लीज़ उसे जरूर विजिट करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बहुत सारी कमेंट करना।